विश्वविद्यालय प्रशासन के संरक्षण में यह बहुत बड़ा धांधली किया गया है। पीएचडी के नामांकन में 50 नंबर वाले का नामांकन हो सकता है तो 68 बार नंबर वाले का नामांकन क्यों नहीं हुआ, इसके संज्ञान में है तो आखिर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन उन दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये तीन डिपार्टमेंट जूलॉजी, मीडिया अध्ययन और हिंदी, तीनों में जिस तरीके से इन लोगों ने बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया है, हमारी मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि अविलंब इसकी इतनी बड़ी जब धांधली हुई है, आपके संज्ञान में सारा मामला है, आप अविलंब इसकी जांच कराएं और जो लोगों के ऊपर आरोप लगा है, जिन तीनों विभाग के एचओडी पर आरोप लगा है, इन तीनों एचओडी को अविलंब यहां से हटाए करके पिछड़ा और अति पिछड़ा के सीटों को खत्म करके किसी छात्र खास छात्र संगठन से जुड़े हुए लोगों को नामांकन में नामांकन लिया गया है। जब 50 नंबर वाले का नामांकन हो सकता है तो 68 बार नंबर वाले का नामांकन क्यों नहीं हुआ, इसका हम जवाब चाहते हैं। दूसरी चीज, सारी चीजों का पूरी धांधली का पर्दाफाश प्रेस के माध्यम से कर दिया गया है सारे सबूतों के साथ, सारी चीजें विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में है तो आखिर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन उन दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, आखिर इस नामांकन को रद्द क्यों नहीं कर रही है। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के संरक्षण में यह बहुत बड़ा धांधली किया गया है पीएचडी के नामांकन में। किस डिपार्टमेंट में हुआ है? अभी दो डिपार्टमेंट का मामला का हम लोगों ने उजागर करने का काम किया था और तीसरी एक और आज सामने आई है हिंदी डिपार्टमेंट का, यानी तीन डिपार्टमेंट जूलॉजी, मीडिया अध्ययन और हिंदी, तीनों में जिस तरीके से इन लोगों ने बड़े पैमाने पर धांधली करने का काम किया है वह बेहद ही गंभीर मामला है और विश्वविद्यालय प्रशासन जिस प्रकार चुप्पी साधी हुई है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन के संरक्षण में भी क्या या इतनी बड़ी धांधली होने का हुआ था। अभी किसी तरीके का बयान, किसी तरीके का कार्रवाई कुछ भी नहीं, अभी किसी तरीके का कार्रवाई नहीं हो पाया है। दूसरी चीज, आपने जब दोषी को ही आपने मौका दे दिया है कि आप बैठ करके ऑफिस में और सारे सबूतों को लिपापोती की दी है तो दोषी क्या करेंगे, वो तो अपने बचने के लिए किसी न किसी तरह से मामले को दबाने का प्रयास करेंगे। हमारी मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि अविलंब इसकी इतनी बड़ी जब धांधली हुई है, आपके संज्ञान में सारा मामला है, आप अविलंब इसकी जांच कराएं और जो लोगों के ऊपर आरोप लगा है, जिन तीनों विभाग के एचओडी पर आरोप लगा है, इन तीनों एचओडी को अविलंब यहां से हटाएं और जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक उनको एचओडी पर हटाया जाए, हमारी यह मांग है और दोषी पाए जाने पर उनको बर्खास्त करें। आगे आंदोलन चलेगा, पुतला दहन किए आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं काला पट्टी बांध करके, आगे विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे और नहीं होगा भूख हड़ताल करेंगे। आपका क्या कहना है इस पे? बताइए। जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो एडमिशन में बहुत बड़ी धांधली हुई है उस पर उसकी समीक्षा जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो। जिस तरह तीनों एचओडी पर आरोप लगा है, मतलब एडमिशन में गड़बड़ी का, उसको पूरी तरह से जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जहां जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र का ब्रांच चल रहा है वहां वहां भी समय क्लास नहीं हो पा रहा है, कभी लाइट की वजह से, कभी किसी, अभी तक जमीन अधिग्रहण भी नहीं हो सका है। इस सभी मामला पर जांच होना चाहिए क्योंकि जो है ये लोग जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के ना छूने की चिड़िया समझ रखा है, वहाँ जो है वो अंडा दे रही है और लोग उसको अपने बड़े पैमाने पर घोटाला कर रहे हैं। इसका निष्पक्ष जांच होगा न तो आगे बहुत बड़ी आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं।